अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज बहुत दिनों बाद मैं कोई रेसिपी का वीडियो डाल रही हूँ। आज हम सीखेंगे फ्रेश बेस होममेड पिज़्ज़ा। दोस्तों, हम कितनी बार ऐसा करते हैं कि अगर पिज़्ज़ा खाने का हमको मन करता है तो हम बाहर से बेस लाकर उसके ऊपर पिज़्ज़ा बना लेते हैं, लेकिन वो जो बेस है उससे बहुत कम पैसे में मैं आपको आज फ्रेश बेस मतलब घर में ही जो पिज़्ज़ा का डो है वो बनाना सिखाऊंगी, और साथ में उसके ऊपर टॉपिंग करके जो पिज़्ज़ा जैसे बाज़ार से हम लाते हैं वैसे ही पिज़्ज़ा आप घर में इतनी आसानी से और उससे कम दाम में बना सकते हैं, उसकी आज हम रेसिपी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं कि किस तरह से हम डो सीखेंगे कि कैसे पिज़्ज़ा का डो बनाते हैं, कैसे पिज़्ज़ा का आटा लगाते हैं, और उसके बाद टॉपिंग करके पिज़्ज़ा हम कैसे बनाते हैं। तो पिज़्ज़ा डो के लिए हमें जो जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है, सबसे पहले मैदा, साथ में सॉल्ट, शुगर, ऑयल, मिल्क और यीस्ट चाहिए, और आटा लगाने के लिए हमें साथ में थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें डो बनाने के लिए चाहिए वो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ लिख लिए हैं, आप उस हिसाब से अपने कम ज़्यादा करके फॉलो कर सकते हैं। मैंने यहाँ 750 ग्राम्स ऑल पर्पस फ्लोर यानी मैदा लिया है। आप चाहो तो इससे कम आटा लेकर उस हिसाब से दूसरे इंग्रेडिएंट्स कम कर बना सकते हैं। और यहाँ मैंने पिज़्ज़ा के जो टॉपिंग करेंगे उसके भी सारे इंग्रेडिएंट्स लिख के बताए हैं। टॉपिंग तो दोस्तों ऐसा है कि आप अपना मन चाहा टॉपिंग करके पिज़्ज़ा बना सकते हैं। यहाँ मैंने वेज पिज़्ज़ा बनाया है, आप चाहे तो इसमें चिकन श्रेडेड ऐड कर सकते हैं, बॉयल चिकन करके उसको श्रेड करके वो ऐड कर सकते हैं, या फिर बीफ को ऐड कर सकते हैं। आप चाहे इस तरह से टॉपिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो पिज़्ज़ा के टॉपिंग हैं उसके इंग्रेडिएंट्स हैं मोज़रेला चीज़, अमूल चीज़, चॉप्ड वेजिटेबल्स, मस्टर्ड सॉस, टोमेटो सॉस, मेयोनीज और शेजवान चटनी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुमैया गुलंदाज मेरे चैनल का नाम है, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में जो बेल का बटन है उसे दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप सबसे पहले मेरी रेसिपी को देख सकेंगे। और इसके अलावा भी आपको किसी भी रेसिपी की अगर नीड है, मतलब आपको किसी भी रेसिपी अगर मुझसे सीखनी है या जाननी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आइए हम अपने पिज़्ज़ा की तैयारी करते हैं। पिज़्ज़ा डो के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने गुनगुना मिल्क ले लिया है, गुनगुना यानी वॉर्म मिल्क ले लिया है, और उसके अंदर मैंने शुगर डाल दी है, और शुगर के साथ जितनी भी यीस्ट हमने ली है वो सारी यीस्ट हमने इसके अंदर डाल।
इस तरह से फोर्क से अच्छी तरह से इवनली आप सब में सुराख कर लीजिए। इसके बाद मैं ये जो पिज़्ज़ा है उसकी किनोर बनाऊंगी। रेडीमेड पिज़्ज़ा में कई बार हमने देखा है कि उसके बॉर्डर बनी हुई होती है, बराबर, और बॉर्डर से वो पिज़्ज़ा लुक में आपका पूरा रेडीमेड जैसा पिज़्ज़ा होगा वैसे ही लगेगा। अगर आप ओवन में रखते हैं तो ये जो बॉर्डर है उसके ऊपर आप ऑयल भी ग्रीस कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैंने जो सॉस इंग्रेडिएंट्स में टॉपिंग में लिखे हैं वो सारे सॉस मिक्स कर मैं इसके ऊपर फैला रही हूँ। इसके ऊपर अब मैं डालूँगी थोड़ा सा वेजिटेबल्स जो मैंने चॉप करके रखे हैं। आप चाहे वो वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। चॉप वेजिटेबल के बाद अब मैं इसके ऊपर चीज़ डालूँगी और उसके बाद इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे चूल्हे पर रखकर ऊपर से किसी बड़े बर्तन से इसको ढक दूंगी ताकि नीचे से भी बेस पक जाएगा और ऊपर से जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इतना करे बाद ये इतनी प्रोसेस के बाद आपका जो फ्रेश बेस होममेड पिज़्ज़ा है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो जाएगा। फिर से मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप चाहे वो टॉपिंग ऐड कर सकते हैं और मिक्स कर सकते हैं। यहाँ हमारा पिज़्ज़ा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमें इसे चूल्हे पर रख दूंगी। तकरीबन 10 मिनट के बाद ये मेरा पैन पिज़्ज़ा है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा।